वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ द डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं फॉर लूप्स के बारे में और आप लोगों को अगर ये पता चल जाए तो आप हर किस्म की फॉर लूप के रिलेटेड किसी किस्म का भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको आंसर कर सकोगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो सपोज मैं आपके सामने एक लूप Uh, जो है वो बनाता हूँ और मुझे बताएं कि ये इस लूप की आउटपुट क्या होगी क्या ये वैलिड लूप होगी या इनवैलिड लूप होगी मैं आप लोगों के सामने ये एक लिख रहा हूँ प्रिंट लेट्स पोज हेलो एंड देन आई विल पुट सेमी कॉलन एंड देन आई विल पुट ए कंडीशन हेयर आई इज़ लेस देन फाइव एंड देन आई विल पुट आई प्लस प्लस हेयर एंड देन आई विल जस्ट एड दिस सेक्शन हेयर अच्छा अब मुझे अब ये बताना है अब लेट्स पोज मैं इस जो वेरिएबल को आई को जो है ना बाहर भी इनिशलाइज करवा सकता हूँ तो मुझे आप लोगों ने ये बताना है क्या ये वैलिड लूप है या नहीं वैलिड लूप और एक बात और बतानी है कि ये आ, इसकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी ठीक है इसका जो मैंने बॉडी सेक्शन है वो एम रखा है तो आप मुझे बता सकते हैं क्या आप लोग मुझे इस वक्त बता सकते हैं लेट जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड एंड टेल मी अच्छा बहुत सारे लोग तो यही समझ रहे होंगे कि शायद इसका सिंटेक्स सही नहीं है बट मैं आप लोगों को बताता चलूँ ये बिल्कुल सही सिंटेक्स है और इसमें कोई मसला नहीं है बस आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ये फर्स्ट पार्ट जो होता है ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है तो इट डज़ नॉट मैटर वट यू डू इन दिस पार्ट लेट्स सपोज आई एम प्रिंटिंग हैलो so it does not mean that the syntax is not correct but the uh, ये जो पैरेंथेसिस वाले सेक्शन होते हैं इसमें तीन सेक्शन आते हैं इनिशियलाइजेशन सेक्शन जो कि सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है सेकंड नंबर पर कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी बॉडी सेक्शन एग्जीक्यूट होगा और थर्ड नंबर पर हमारे पास यहाँ पर इंक्रीमेंट यह वाला होगा फिर उसके बाद इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन जो है ये वैलिडेट होगी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर उसके बाद जो है ये एग्जीक्यूशन होगी सो लेट्स रन दिस कोड एंड सी दी आउटपुट एंड सी वेदर इट इज़ ए वैलिड यू नो फॉल उपर नॉट सो यू कैन सी दैट दिस इज़ ए वैलिड टू बिकॉज इट प्रिंटेड आउट दी हेलो ये ऊपर वाला जो कोड जितना भी आ रहा है ये हमारे पास ऊपर जो हमने कोड लास्ट लेक्चर में किया था ये वहाँ से आ रहा था सो so, आप देख सकते हैं कि हेलो बिल्कुल सही प्रिंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल वैलिड सेंटेक्स है अब एक और चीज़ आप लोगों ने समझ लेनी है जो लास्ट लेक्चर में जो मैंने बेसिक आप लोगों को बताई थी फॉलोअ की उसमें मैंने नहीं बताई ताकि मैं आप लोगों को कंफ्यूज ना करूं इस लेक्चर में मैं आप लोगों लोगों को बता देता हूं देखो यार जब भी इसका जो आ, फ्लो है ना वो किस तरह से होगा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी एक दफ़ा एग्जीक्यूशन होगी फिर उसके बाद ये कंडीशन वैलिडेट होती है इस कंडीशन का अगर रिजल्ट ट्रू आता है तो हमारे पास ये बॉडी का सेक्शन एग्जीक्यूट होता है अगर बॉडी का सेक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये ये जो भी आपने इस सेक्शन में इनपुट किया होगा वो एग्जीक्यूट होगा और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर दोबारा से वैलिडेशन होगी अगर दोबारा से वैलिडेशन होती है और ये करेक्ट होता है तो फिर हमारे पास ये नेक्स्ट बॉडी एग्जीक्यूट करेगा अदरवाइज़ नहीं करेगा तो अब हम ये करते हैं कि इसका बाकायदा एक फ्लो चार्ट बना के देख लेते हैं एक डायग्राम टाइप बना के देख लेते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएं सो so, यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ कि ये इनिशियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से इनिशियलाइजेशन ये देखें लेट्स पोज हमारी लूप जो है वो यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट हुई है सो so, जैसे ही फॉर लूप स्टार्ट होगी तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही फॉलोअप इनिशियलाइज़ स्टार्ट होगी तो सबसे पहला काम जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियलाइज़ेशन वाला सिंटेक्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा तो हम यहाँ पर ये टेक्स्ट पुट करते हैं इनिशियलाइजेशन वाली कंडीशन जो, जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर उसके बाद ये कंडीशन को चेक करेगा इसके बाद वाला जो स्टेप है वो क्या है कंडीशन को चेक करेगा तो ये नेक्स्ट स्टेप के आ जाएगा कंडीशन के ऊपर तो ये हमारे पास आ जाएगी कंडीशन कंडीशन में ये चेक करेगा कि भाई के ये जो लूप है ये सॉरी जो कंडीशन है वो ट्रू रिजल्ट कर रही है आउटपुट या फॉल्स तो इसका मतलब ये है कि दो केसेस हो सकते हैं इसके अंदर फर्स्ट नंबर पर ये हो सकता है कि या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन फॉल्स होगी तो लेट्स सपोज हम इसके आगे यहाँ पर एक डायमंड या टू पाथ्स बना लेते हैं यहाँ पर एक पाथ जो है वो ट्रू के केस में एग्जीक्यूट होगा और एक पार्ट जो है वो लेट्सपोज कंडीशन का रिज़ल्ट फॉल्स हो सकता है लेट्सपोज अगर फॉल्स रिज़ल्ट होगा तो ये कंडीशन वैसे ही टर्मिनेट हो जाएगी ठीक है इसमें वैसे ही ये एग्ज़िट के पाथ पे चला जाएगा सो यहाँ पर ये लूप एग्जिट कर जाएगी और ये माउस से मैं टाइप कर रहा हूँ तो थोड़ी गलती बलती हो सकती है थोड़ा सा इसको उसको इग्नोर कर देना अच्छा अगर तो लूप आ, का इस कंडीशन का रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स होगा तो आउटपुट हो जाएगी सॉरी एग्जिट हो जाएगी अगर तो रिजल्ट ट्रू होगा तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगी हमारी जो लूप की बॉडी है सो so, अगर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होनी है तो फिर अगर रिज़ल्ट इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होगा तो फिर हमारे पास ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रू uh, के बाद के एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी सो मैं यहाँ पर लूप बॉडी एग्जी क्यूशन और वो ये वही लूब की बॉडी मतलब मेरा मुराद ये है कि जो आपके सामने मतलब कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो आउटपुट लिखी गई होती है ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ सो so, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी लूप बॉडी एग्जीक्यूशन हो जाएगी और फिर उसके बाद हमारे पास लेट्स पोज लूप की बॉडी की एग्जीक्यूशन होती है तो दोबारा से ये एक सेक्शन जो थर्ड सेक्शन है वो एग्ज़ीक्यूट होगा तो हम वहाँ पर ये पुट कर देता हूँ मैं और इसको मैं लिख देता हूँ जी हमारा एग्जीक्यूशन क्या होगा नेक्स्ट जो थर्ड सेक्शन होगा तो मैं यहाँ पर इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ ठीक है जिसमें आप थर्ड uh, सेक्शन या लास्ट सेक्शन की बात कर रहा हूँ ये लास्ट सेक्शन एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर आप मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा रहे होते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही करवाना है जैसे ये लास्ट एग्जीक्यूशन होगी लास्ट सेक्शन इन एग्जीक्यूट होगा दोबारा से ये लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा सॉरी uh, कंडीशन uh, पे चला जाएगा तो मैं यहाँ पर दोबारा से एरोज बना देता हूँ यहाँ पर ये यह देखें जी ये वापस जो है ये अपना कंडीशन के ऊपर चला जाएगा कंडीशन में बल्कि इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ ये देखें जी यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ पर तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही लास्ट सेक्शन एग्जीक्यूट होगा दोबारा से ये कंडीशन के ऊपर आएगा वैलिडेट करेगा अगर तो फिर दोबारा से कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर उसके बाद दोबारा से लास्ट सेक्शन जो हमारा पैरथिसिस में हम पर स्पेसिफाई करते हैं वो एग्जीक्यूट होगा दोबारा से ये लूप चलती रहेगी अंटिल नलेस हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो सकती जैसे ही फॉल्स होगी तो हमारी लूप एग्जिट हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी एंडिंग पॉइंट होगा ये वाला हमारा एंडिंग पॉइंट हो जाएगा अगर हमारे पास ये फॉल एग्जीक्यूट होता है सो आई होप सो कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट से समझ आया होगा कि किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होती है वापस चलते हैं अब लेट्स सपोज अगर मैं दोबारा से आपको कहता हूँ कि ये कोड सही है या नहीं सही और इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा अब लेट्स सपोज जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बोला था आपने रिवर्स में एक लूप जो है वो प्रिंट करवानी है तो बड़ी आसानी के साथ आप ले, ये कर सकते हैं कि इसको मैं आई को टेन करता हूँ इसको मैं अब जस्ट समझाने के लिए मैंने ऐड किया था इसको मैं एंड कर देता हूँ तो मैं करता हूँ जी आई इंटीजर इंटीजर आई इज़ इक्वल्स टू टेन एंड आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फिर हम इसको वन भी कर सकते हैं आ, और फिर उसके बाद आ, यहाँ पर आई नेगेटिव नेगेटिव करेंगे हम माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव जो भी है डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और फिर हम उसकी इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा देंगे आई कैन राइट आई सिंपली मैं आई uh, की वैल्यू ही प्रिंट करवा देता हूँ तो हमारे पास ये जो आउटपुट है वो टेन टू वन हमारे पास होनी चाहिए लेट्स सी सो ये टू तक हो रही है बिकॉज हमने टेन इक्वल टू वन करना है तो फिर हमारे पास ये वन uh, तक आ जाएगी सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझे हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ समझ गए अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो फिर आपके पास जो है ये आ, मसला करेगा आई होप सो कि आप लोगों के पास जो है ना ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्लियर हो गया होगा कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं ये सोल्यूशन भी था आपके लास्ट जो असाइनमेंट थी और आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश की है आई विल सी यू इन द लेक्चर नंबर ट्वेल्व जहाँ पर हम वाइल्ड लुक के बारे में सीखेंगे सी यू इन द नेक्स्ट वन